अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे स्टूडेंट आप लोग? सब खैरियत से होंगे यकीनन। चैप्टर 6 एंटी डेरिवेटिव की आज वीडियो नंबर 6 लेकर आए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट डिस्कस किए थे, तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए थे। एक्सरसाइज 6.7 टॉपिक है हाउ टू इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। कौन सा? हाउ टू इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, ये रूल आपके सामने। बिल्कुल, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं, वो देख लें एंटी डेरिवेटिव का जो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का रूल है, वो ये है यू इंटू वी, उसका जो इंटीग्रल है वो यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू देन इंटीग्रल ऑफ वी। डेट के लिए इस पर 12 गुप्त, अब तो अब याद हो गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से, क्योंकि इसको इतनी दफ़ा जो हमने लिखा है और आपने भी लिखा है यकीनन साथ में। आइए स्टूडेंट देखते हैं जो आज पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, एक नज़र उसको देख लें, और आज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं उसे एक नज़र देख लें, फिर क्लास का बाकायदा आगाज हम कर देंगे। ओके यस, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, जो वीडियो 5 थी हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, ये तीन पार्ट्स थे और तीनों एक ही मेथड के जरिए सॉल्व होंगे। इसका सलूशन आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि कैसे सॉल्व करना है, यकीनन आपने इससे इस्तेफादा किया होगा। ये तो हो गई पिछली वीडियो 5। आज वीडियो 6 में जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, दामन वक्त के मुताबिक जितनी गुंजाइश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं सवाल करने की। ये रहा क्वेश्चन 3 है, फाइंड द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। आपको पता है कि इंटीग्रल दो टाइप के हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट। फिर सुन लें, इनडेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिनमें लिमिट्स नहीं होती, बाउंड्रीज गिवन नहीं होती, और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर बाउंड्रीज गिवन होती हैं, जिसमें लिमिट्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट गिवन होती है। तो बहरहाल जितने भी क्वेश्चन हैं ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हैं, इनमें लिमिट्स गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन 3 का पहला और दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा, एक्स क्यूब ई की पावर 2 एक्स डी एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, और उसके बाद तीसरा और चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट है x इंटू टेन इनवर्स x, यू कैन सी है, और चौथा पार्ट है x इंटू सेक इनवर्स x। इन दोनों पार्ट्स के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है, इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। और पांचवा और छठा पार्ट ये आपके सामने, x कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 डी एक्स है, और छठा जो पार्ट है 2x dx अपॉन कोस स्क्वायर 2x। आइए स्टूडेंट इन पर बात करते हैं दामन वक्त के मुताबिक। आइए सबसे पहले जो है ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3, और उसका पहला पार्ट है एक्स क्यूब ई की पावर 2x dx, कैसे सॉल्व किया जाएगा। जी स्टूडेंट, ये स्क्रीन चेंज कर दी हमने, क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट एक्स क्यूब ई की पावर 2x dx सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखें किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तवज्जो रहे, यहाँ दो फंक्शन जरब की हालत में इंटीग्रेट बाय पार्ट तो लगाना ही लगाना है। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में हमने करना क्या होता है, कि अगर याद करें कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू इंटीग्रेट बाय पार्ट, एक वीडियो 1.6.7 की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फौरन जाएं जिन्होंने नहीं देखी, उस वीडियो से ये समझ लें कि फंक्शन 5 टाइप के हैं, दो फंक्शन ज़रब की हालत में आएंगे, कब किसको यू मानना है किसको वी मानना है। बहुत ही उमदा तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में उस वीडियो को पेश किया है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, ताकि आगे की पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंटीग्रेट बाय पार्ट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ज़रब की हालत में आ जाए तो किसको ही और किसे भी मानेंगे। तो बताया था ये वो केस होता है कि जिसके अंदर जो अलजेब्रिक है उसको हम हमेशा यू मानते हैं और एक्सपोनेंशियल को वी माना जाता है। ये रूल्स बताए गए हैं उसके अंदर, चंद एक रूल हैं और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है उस पर, वो देखने की लाइक वीडियो है। हालांकि मैं कभी वीडियो के लिए बोलता नहीं स्टूडेंट्स को, लेकिन वो एक वीडियो ऐसी है कि उसके बाद फिर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खुद सवालात करने के काबिल हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने वाले हैं, सोल्यूशन की तरफ आ जाए। जैसा कि बताया मैं एक दफ़ा फिर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन इंटू ई की पावर 2x डेट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसे यू किसे भी मानेंगे, आपके डिस्कस हो गया, एक बार फिर देख लें किसको यू और किसे भी मानना है। यस, इसको एक्स क्यूब को आपने यू मानना है और ई की पावर 2x को वी मानना है। अच्छा मैं यहाँ पर जो है इसको चेंज कर दूँ, ये रहा। ओके आप देखें क्या होगा, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग मैं ग्रीन पेन, इस ग्रीन पेन, बाय यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। यस
इसे इस्तेमाल करना होगा। ओके, क्या था रूल? रूल एक दफा लिख दें दोबारा, वैसे तो आपको स्लाइड में दिखा दिया, एक दफा फिर देख लें। अगर यू और वी दो फंक्शन रखी हालत में हो तो यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू देन इंटीग्रल ऑफ वी। यस, दिस इज द रूल। आइए स्टूडेंट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यू सेम, क्या यू कौन है? यू इज एक्स क्यूब है। आपसे कोई पूछे यू कौन है तो आप बोलेंगे एक्स क्यूब। तो यू सेम यानी एक्स क्यूब सेम इंटीग्रल ऑफ वी। वी कौन है? तो वी कौन है? दैट इज ई की पावर टू एक्स। ओके, पता आ रहा है? इंटीग्रल ऑफ वी, वी की जगह कौन है? ई की पावर टू एक्स डी एक्स माइनस, फिर है फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर है डेरिवेटिव ऑफ यू यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। अब जब आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ये काम तो अब आपको ऐसे इस तरह के सवाल में डायरेक्ट करना चाहिए, थ्री एक्स स्क्वायर होगा, पावर थ्री नीचे एक्स लिख के पावर थ्री में एक की कमी करते टू, और उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कट के वन, तो फाइनली थ्री एक्स स्क्वायर आता है। ये चैप्टर नंबर फोर डिफ्रेंसिएशन का, उस पर तफसील से गुफ्तगू की गई है, आपने यकीन आपके उस्ताद ने पढ़ाया होगा। ओके, तो साइन पाद ऑफ इंटीग्रल उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ यू है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ वी, वी कौन है? ई की पावर टू एक्स देन डी एक्स, ऐसे ही है। जिसकी समझ में नहीं आया वो एक दफा फिर समझ ले। ये कौन है स्टूडेंट्स बोलें? यू सेम। ये कौन है? इंटीग्रल ऑफ वी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल। ये कौन है? थ्री एक्स स्क्वायर दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, और ये कौन है? दैट इज इंटीग्रल ऑफ वी। गुड, सही। आइए अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं ना आप लोग। ओके, अब बनाना है बॉक्स हमें, किसको बॉक्स में लेंगे? तो ई की पावर, ये जो इसको बॉक्स में लेने, और इस पे ई की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लग जाएगा। ई की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। वही सेम फार्मूला यहाँ लगेगा, ये अच्छी बात है। इंटीग्रेट बाय पार्ट में इंटीग्रल भी दो दफा है, तो जो पहले का जवाब वही दूसरे वाले का होगा, नहीं समझे बात को, उसमें सोचने की बात ही नहीं है। उसके बाद देखें क्या होगा स्टूडेंट्स। यस, एक्स क्यूब अपनी आ रहा ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रल, आपने देखा ई की पावर बॉक्स सेम यानी ई की पावर टू एक्स सेम, फिर डेरिवेटिव वो बॉक्स प्लस का डेरिवेटिव टू होगा, नहीं क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव बंद होता है ना, टू वन जो टू माइनस। उसके बाद देखें यहाँ पर कौन है स्टूडेंट, तवज्जो रहे। यस, थ्री एक्स स्क्वायर अपनी जा रहा, और यहाँ पे ई की पावर बॉक्स का इंटीग्रल दोबारा हुई ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव वो बॉक्स प्लस का डेरिवेटिव होगा टू, और डी एक्स खत्म, इंटीग्रल वी का डी एक्स खत्म, लेकिन पाथ ऑफ इंटीग्रल का जो डी एक्स है वो अपीयर हो जाएगा, जो कहीं छुपा हुआ था, कहीं छुपा हुआ था वो अपीयर हो गया। समझ रहे हैं बात को? आइए देखें आप क्या हो, तवज्जो रहे। अब सिंप्लीफाई के स्टेप हैं, और उसके बाद फिर एक दफा और ये टू को शुरू में लिख दें, तो कायदा ये है कि अपॉन में टू है और एक ही रकम है, तो उसको शुरू में लिख देते हैं। याद रखिएगा इसमें डोंट बी कंफ्यूज, ये पूरी एक ही रकम है, ये जो पूरी रकम वैल्यू है, पूरा एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई हो रही है रकम, तो टू को शुरू में लिख दीजिए आप, और एक्स क्यूब उसके बाद, और ई की पावर टू एक्स उसके बाद, ठीक है माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, ये थ्री और नीचे अपॉन में टू आपको नजर आ रहा है, तो थ्री अपॉन टू को आप चाहें तो साइन ऑफ इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं और फिर सिंप्लीफाई करें, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को मशवरा ये देता हूँ कि थ्री अपॉन टू उसको एक्स स्क्वायर के साथ सेट कर दें। ओके, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू को इसके नीचे लिख दें, किसके नीचे? थ्री एक्स स्क्वायर के नीचे टू को लिख दीजिए, नहीं समझे बात को, ये टू इसको नीचे लिखा जा सकता है कोई हर्ज नहीं, और ई की पावर टू एक्स रह गया मसला, ई की पावर टू एक्स का, तो इसके साथ क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे ई की पावर टू एक्स और साथ में डी एक्स। ओके, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट, अब दोबारा लगेगा क्योंकि ये पूरी चीज़ फंक्शन बन जाएगी, कौन सा बोलें, ये सॉरी ये यू फंक्शन बन गया, और ये जो ई की पावर टू एक्स नजर आ रहा है आपको, दिस वन दिस इज वी, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट, पहले एक्स की पावर थ्री थी, जब आपने इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाया तो एक्स की पावर क्या हो गई है, टू, दूसरी दफा लगाएंगे तो एक्स की पावर वन, तीसरी दफा लगाएंगे तो एक्स खत्म, यानी तीन दफा इंटीग्रेट बाय पार्ट लगेगा ही लगेगा। तो पता ये चला कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल यानी अलजेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर थ्री हो तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेट बाय पार्ट तीन दफा लगाना होगा, कितनी दफा? तीन दफा लगाना होगा। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, लेंदी है, कोई बात नहीं, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट, दोबारा लिखिए अगेन,
हाँ लेंदी तो है थोड़ा सा, क्या करें। अगेन इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स, मसाइल अपनी आंखों के बड़े हैं, कई ख्वाब अनदेखे पड़े हैं। मसाइल अपनी आंखों के बड़े हैं, कई ख्वाब अनदेखे पड़े हैं, और हमें ही पार करना है ये दरिया, और हमें ही पार करना है ये दरिया। अगर चाहतों में कच्चे घड़े हैं, अगर चाहतों में कच्चे घड़े हैं। देखें स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होगा, वो जो रहे हाफ अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट, दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पे, आप जानते हैं क्या होगा, हाफ एक्स क्यूब ई की पावर 2x। अब यहाँ पर एक काम और करें, इंटीग्रेट बाय पार्ट यहाँ लगाने वाले हैं, एक काम और कर लें ताकि आइंदा के स्टेज में हमें सहूलत हो जाए। वो काम क्या है, अब आप सोच रहे होंगे, अक्सर अक्सर काम क्या करते हैं, 3/2 को साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं और फिर एक्स स्क्वायर को यू और ई की पावर 2x को वी मान के इंटीग्रेट करते हैं। तरीका इसी तरह होता है और अक्सर लोग इसी तरह करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा खेलें इसके साथ, गेम करें, 3x² / 2 को एक साथ रख के भी इंटीग्रेट करना सीखें, नहीं समझे बात को। और एक चीज़ और करें, ये जो माइनस आपको नज़र आ रहा है ना, इस माइनस को, कौन सा वाला माइनस, तवज्जो रहे, बहुत अहम बात की तरफ इशारा करने वाले, इस माइनस को इसके साथ सेट कर दें और बाहर प्लस छोड़ दें, नहीं समझे बात को। ये माइनस क्या कहाँ लिख रहे हैं, तवज्जो रहे, इस माइनस को हम यहाँ लिख रहे हैं और बाहर क्या छोड़ना पड़ेगा फिर, प्लस, नहीं समझे बात को। अब यहाँ पे जो यू है आपका यू, उसमें माइनस भी शामिल हो गया, तो ये पूरी रकम स्टूडेंट क्या बन जाएगी, बोलिए, रखा ले आप समझ गए, ये पूरी रकम यू बन जाएगी और ये जो ई की पावर 2x है ये वी बन जाएगा। और अब लगाने वाले हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, ओके, ये प्लस साइन बाहर मौजूद है। अभी शायद इस तरह राज बाद में खुल जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्लस क्या आएगा बोले, क्या होगा, यू सेम इंटीग्रेट बाय पार्ट लगा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो ब्रैकेट लगा दें ताकि आपको याद रहे कि इंटीग्रेट बाय पार्ट वाला पोर्शन इसके बाद है। यू सेम यानी माइनस 3x² / 2 यू था सेम, फिर क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ वी, वी की जगह कौन है स्टूडेंट, ई की पावर 2x, इसको तो सारी जिंदगी इंटीग्रेट करते रहो यही आता रहेगा, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x माइनस, उसके बाद फिर पाथ ऑफ इंटीग्रल, जगह तंग हो जाएगी इसलिए स्टेप को नीचे लिखना है, एक लाइन और लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास भी जगह तंग हो जाए एग्जाम में आप या वैसे ही कर रहे हैं तो माइनस, फिर ये तरीका होता है, आप पाथ ऑफ इंटीग्रल डाला आपने, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव यू का डेरिवेटिव, यू कौन है, यू ये है पूरी रकम जो हमने बनाई है 3x² / 2 डेरिवेटिव ऑफ यू, फिर इंटीग्रल ऑफ वी, वी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, ई की पावर 2x और फिर इसका dx लग जाएगा, ओके। तो यू सेम, जिसकी समझ में नहीं आया फिर डिस्कस करें बस, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये पहली रकम यू सेम इंटीग्रल ऑफ बी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ बी, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करें तो किसको बॉक्स में लेंगे, बोलिए, ये जो रकम आपको नजर आ रही है कौन सी, ई की पावर 2, इसको बॉक्स में ले लें, इस पर ई की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला वही फार्मूला सेम दोबारा लग जाएगा, ओके, कहानी रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए कि कैसे होगा। और एक चीज़ और कीजिएगा कि यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना, वैसे अब क्या होगा, प्लस माइनस में ब्रैकेट को ओपन कर दें, हाफ एक्स क्यूब ई की पावर 2x, ओके, चाहें तो ब्रैकेट को ओपन कर दें, प्लस माइनस बल्कि रहने दें बाद में कर देना अगले स्टेप में, माइनस 3x² / 2 अपनी जगह था इन टू ई की पावर बॉक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स यानी बॉक्स का डेरिवेटिव 2x का 2 होगा, माइनस फिर फादर ऑफ इंटीग्रल आएगा यहाँ पे, फिर जगह तंग होगी तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा स्टेप, फादर ऑफ इंटीग्रल फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, अब आपको इस पोर्शन का डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ यू तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे स्टेप करने पड़ेंगे और करने चाहिए भी, नहीं समझे बात को, डेरिवेटिव ऑफ यू इसको अलग से देखें कैसे होगा, डिफ्रेंशिएट जाओ, इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस 3x² का और अपॉन में कौन है 2, तो ये जो माइनस 3/2 है तो कोफिशेंट है, उसके बाद ये डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, क्या होता है स्टूडेंट्स 2x होता है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3x, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस 3x लिख सकते हैं, डेट क्लियर, अलग से या चाहें तो चलें इसी के अंदर सॉल्व करते हैं कैसे होगा, आइए क्या करेंगे, माइनस 3/2 अपनी आ रहा, ओके, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बताया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, फिर इन ई की पावर बॉक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स
जिसका टीएक्स खत्म हो जाएगा, लेकिन पाथ ऑफ इंटीजर का टीएक्स अब क्लियर हो जाएगा, समझ रहे बात को? ओके, अब देखें क्या होगा, अब इसको मिटाना पड़ेगा, ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी, स्टेप नज़र नहीं आएगा। ओके, आइए उसके बाद हाफ एक्स क्यूब ई की पावर 2x, इसको फिर देखें क्या होगा, प्लस माइनस ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3/2 टू द 4, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बनाएगा, ठीक है, 2 2 द क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, और साथ में मौजूद है एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x अपनी जगह, और यहाँ देखें क्या होगा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस बाहर चला गया, माइनस माइनस प्लस, और कटिंग क्या हो रही है, यू कैन सी केस 2 से 2 कट जाएगा, किससे, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इज डेट क्लियर, और ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है इसको हम शुरू में फेंक देंगे इसकी जगह। आइए देखें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल, और इसके साथ ऊपर रह जाएगा 3, और अपॉन में 2 को इसके नीचे लिख रहे हैं, और साथ में है एक्स, और इन टू इसके साथ मौजूद है ई की पावर 2x और फिर है डी एक्स। ओके, अब आप देखें ई की पावर 3/2x, एक्स की पावर 1 रह गई, पहले क्यूब थी, इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाया 2, फिर इंटीग्रेट पार्ट लगाया, दूसरी दफ़ा 1 रह गई, अब एक्स की पावर 1 है, अब तीसरी दफ़ा फिर इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, कायदा वही लिख लेंगे हम कि 3/2x, पूरी रकम को क्या मान लेंगे, यू अलजेब्रिक फंक्शन, और उसके बाद जो रकम नज़र आ रही है ई की पावर 2x को भी मान लेंगे, नहीं समझे बात, फिर से देख लो भाई, इसको क्या मानना है यू, और से क्या मानना है भी, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट तीसरी दफा, लास्ट टाइम ये इंटीग्रेट बाय पार्ट्स हो रहा है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स तीसरी दफा, मैं देखो वीडियो चल रही है भाई, शुक्र है। ओके, देखें क्या होगा इसमें, तीसरी दफा इंटीग्रेट बाय पार्ट लगा रहे हैं, इंटीग्रेट बाय पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रूल लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 छोटा छोटा लिखें, एक्स क्यूब ई की पावर 2x, फिर माइनस 3/4 x² ई की पावर 2x प्लस, अच्छा अब यहाँ ब्रैकेट डालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर प्लस साइन है, पहले माइनस साइन थी इसलिए ब्रैकेट डाली थी ताकि माइनस से ओपन करनी पड़ेगी ना ब्रैकेट, यहाँ पे आपको ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रैकेट हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ ये जो पोर्शन है इंटीग्रेट बाय पार्ट का रूल लगा के फिर बनाया गया है, तो यू सेम, क्या सेम स्टूडेंट, यू यू कौन है, 3/2 x, यू सेम फिर इंटू इंटीग्रल ऑफ वी, वी की जगह फिर ई की पावर 2x और डी एक्स आते हैं, फिर आएगा माइनस फार्मूले का, याद है ना, पाथ ऑफ इंटीग्रल माइनस, फिर पाथ ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद फिर डेरीवेटिव ऑफ यू, यू कौन है, 3/2 x, सामने रहना चाहिए भाई, डेरिवेटिव ऑफ यू 3/2 x का डेरिवेटिव, और फिर इंटीग्रल ऑफ वी, यानी ई की पावर 2x का इंटीग्रल, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, वैसे ये पता चल रहा है कि ये पोर्शन जो आपका इंटीग्रेट बाय पार्ट का है। ओके, देख एक नज़र देख लें स्टूडेंट्स फिर भी समझने के लिए कि चलें ठीक है, ये कौन है, यू सेम, ये इंटीग्रल ऑफ वी माइनस पाथ ऑफ इंटीग्रल, ये पूरा पोर्शन डेरिवेटिव ऑफ यू और ये इंटीग्रल ऑफ वी। ओके, आई इस पर सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप चलेंगे, अब देखें क्या होगा, तो जो स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इम्प्लाइज डेट की साइन हमें हेल्प कर रही है कि ये हमारा स्टेप का स्टार्टिंग पॉइंट है, 2x-3/4 x² ई की पावर 2x प्लस, ब्रैकेट डालने की अब जरूरत नहीं है, 3/2 प्लस से ओपन करेंगे तो हो जाएगा, साथ में मौजूद है एक्स, फिर ई की पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर बॉक्स सेम, याद है ना अभी फार्मूला बताया था आपको, उसको बॉक्स में ले लें, तो ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स, और यहाँ पे भी यही 2x को बॉक्स में ले लें तो सेम उसी तरह होगा जो अभी आपने किया है काम, अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स, 2x का डेरिवेटिव होगा 2 क्योंकि एक्स का 1 होता है, फिर माइनस पाथ ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, अब ये 3/2 तो कोफिशिएंट है इसमें, तो ये डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्स पे लग जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, राइट, उसके बाद फिर देखें आगे ई की पावर बॉक्स का इंटीग्रल दोबारा आ रहा है, तो ई की पावर बॉक्स सेम, यानी ई की पावर 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, टू एक्स का डेरिवेटिव 2, ये डी एक्स खत्म हो जाएगा इंटीग्रल बी का, लेकिन फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स अपेयर हो जाएगा, अक्सर थ्रू इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दो इंटीग्रल हैं, डी एक्स आपने एक दफ़ा लिखा,
दो होते हैं डीएक्स, दो नहीं लिखते, अजीब सा लगता है। अब इंटीग्रेट हो जाता है तो फिर दूसरी दफा पास ऑफ इंटीग्रल का डीएक्स लिख देते हैं। आइए स्टूडेंट अब सिंप्लीफिकेशन के स्टेप चलेंगे। रूल दो लग चुका है, हाफ एक्स क्यूब, तीन दफा लग दिया रूल, ए की पावर 2x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर, ए की पावर 2x प्लस 3/2 x। ओके देखिए यहाँ पर 2 to the 4 हो जाएगा, इसमें तवज्जो रहे, क्या ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 4, तो इसको हमें 4 करना चाहिए था, हमने 2 लिख दिया, इसको 4 कर देते। ओके आइए 2 to the हो जाएगा 4 और e की पावर 2x साथ में वैसे ही जोड़ देंगे, और ये रह गया मसला इसका। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तवज्जो रहे, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 3/2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3/2 और ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसको आप बाहर ले लें क्योंकि एक्स खत्म हो चुका है, मुबारक हो, मुबारक हो, एक्स खत्म हो गया, अब इंटीग्रेट बाय पार्ट नहीं लगेगा क्योंकि फंक्शन एक ही रह जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो उसको जस्ट ई की पावर उसके इंटीग्रल का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, नहीं समझे बात को, तो माइनस 2/3/2 to the 4 साइन ऑफ इंटीग्रल ई की पावर 2x और साथ में क्या मौजूद है dx, एक्स खत्म, इंटीग्रेट बाय पार्ट खत्म। आइए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर तो सिंपली की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा, ई की पावर बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, नहीं आइए तो 1/2 यस एक्स क्यूब ई की पावर 2x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 3/4 एक्स ई रेस्ट टू पावर 2x और माइनस जगह तंग माइनस 3/4 और फाइनली ई की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला इस पर लग रहा है, तो ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स 2। ओके एक स्टेप और होगा जिसमें ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा और आखिर में क्या लगा देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, इसी में पूरा स्टेप नहीं लिख रहा, यहीं देख लें आप क्या करेंगे इसमें, देखें 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 2 4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा 3/8 और यहाँ से 2 चला जाएगा, इसको हम डायरेक्टली अब यहाँ पे समझ गए होंगे आप 2 4 8 हो गया बस। तो मैंने स्टेप और टाइम थोड़ा सा बचा लिया इसमें, नहीं 4 था ना यहाँ पे, हाँ 4 था, 4 2 8 हो गया, तो दिस इज योर आंसर, ये आपका जो है, तो इस तरह पहला पार्ट सॉल्व हुआ। आई स्टूडेंट सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स ये कैसे इंटीग्रेट होगा, कितने फंक्शन नहीं है, ये तो एक ही फंक्शन है, तो अब क्या होगा, हमें तो क्वेश्चन इंटीग्रेट हर पार्ट इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व होने वाला है, तो ये तो फंक्शन ही है क्या, तो क्या करेंगे स्टूडेंट बोले, तो साइन इनवर्स एक्स याद रहे कि इसका इंटीग्रल तो होता भी नहीं वैसे, तो डायरेक्ट इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है इसका याद रखिएगा, तो याद रहे कि पहले भी हम 12 इस पर बात कर चुके कि जब भी आप इंटीग्रेट पार्ट लगाना चाहते हो और एक ही फंक्शन है और दूसरा फंक्शन नहीं है तो 1 को दूसरा फंक्शन मानेंगे हमेशा वी, तो हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो 1 माना जाएगा, नहीं समझे बात को, तो अपनी तरफ से 1 लगाते हैं 1 होता है नज़र नहीं आता, नहीं समझे बात को, तो इनवर्स फंक्शन को क्या मानते हैं यू, याद करें ये बात भी हम आपसे डिस्कस कर चुके क्या, कि अगर आपके पास फर्ज कर लें कि इनवर्स फंक्शन हो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू इंटीग्रेट बाय पार्ट्स वीडियो 1 एक्सरसाइज 6.7 और दूसरा जो है वो आपका अल्जेब्रिक फंक्शन हो, एक इनवर्स हो और एक अल्जेब्रिक हो, तो इनवर्स फंक्शन को हमेशा यू मानते हैं और अल्जेब्रिक को हमेशा वी मानते हैं। ओके तो इनवर्स फंक्शन को यू मानेंगे और अल्जेब्रिक फंक्शन, ये अल्जेब्रिक है, हाँ है, एक्स की पावर 0 को 1 कहते हैं, एक्स की पावर 0 लिख दो आ गया, नहीं समझे बात, तो यहाँ पर जो है ऐसे होगा इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, क्या लिखेंगे बोलिए, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स क्या था एक दफा फिर से देख लें कि यू और वी दो फंक्शन अलग की हालत में हो तो उसका इंटीग्रल होता है यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी माइनस पाथ ऑफ इंटीग्रल फिर डेरिवेटिव ऑफ यू देन इंटीग्रल ऑफ वी, यस ये आपने अप्लाई किया, तो देखें यू सेम स्टूडेंट्स क्या होगा, यू किया कौन है साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ वी 1 डी एक्स माइनस पाथ ऑफ इंटीग्रल फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ यू, तो यू है साइन इनवर्स एक्स, ओके फिर इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स,
ओके अब क्या करेंगे, देखें डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है तो आप जानते हैं, ये परफेक्ट इंटीग्रल कहलाता है। इस पर पहले भी हमने कई दफ़ा बात की है। ये जो इंटीग्रल है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डीएक्स और जो ये परफेक्ट इंटीग्रल, डीएक्स से कम डीएक्स हो जाएगा, तो चूंकि डीएक्स और साइन ऑफ इंटीग्रल के दरमियान कोई वेरिएबल नहीं है जिसको इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल नहीं है, लिहाजा इसको परफेक्ट इंटीग्रल कहते हैं। तो ऐसी सूरत में डेरीवेटिव एंटी डेरीवेटिव ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ एक्स बतौर आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल है वो सिर्फ एक्स होगा माइनस, और ये कैसे होगा ये वाला पोर्शन, तो जो डेरिवेटिव ऑफ साइन वर्स एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ यू है। तो इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं कि एक्स को बॉक्स में लेंगे और इस पर साइन इनवर्स बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे, जो बारहा डिस्कस किया न्यू कमर्स के लिए, फिर देख लें वो किया था साइन इनवर्स, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखूँ ताकि जगह बनी रहे क्या, यस साइन इनवर्स बॉक्स, इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के लिए डैश भी डालता हूँ, ये होता है 1 अपॉन द रूट 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ बॉक्स, ये है। तो ये जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ, साइन ऑफ इंटीग्रल, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन वर्स एक्स क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स में कौन है एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कट के बन जाएगा, नहीं ये है ना एक्स, और से कहा जाए डेरिवेटिव लें किसका एक्स का, तो ये कट के बन जाता है। ओके फिर इंटीग्रल, ये डी एक्स का इंटीग्रल चाहिए, वहाँ परफेक्ट सॉरी ये वन का इंटीग्रल चाहिए, तो दोबारा परफेक्ट इंटीग्रल, तो इसकी जगह एक्स आ जाए, इसका डी एक्स खत्म, लेकिन फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स अपेयर हो जाएगा। ओके आइए स्टूडेंट देखें आगे कैसे सॉल्व होगा, अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे वरना नज़र नहीं आएगा, स्टेप ऊपर वाला स्टेप आपकी निगाहों के सामने रहना चाहिए हर सूरत में, ताकि देख सकें कि हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं। ये साइन इनवर्स एक्स, इस एक्स को इस एक्स से कभी भूल के मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इनवर्स का एंगल ही है और ये एक्स एंगल नहीं है बाहर है, तो इस एक्स को कहाँ लिखेंगे फिर शुरू में, इसको शुरू में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, नहीं ओके फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये एक्स बनता है एक्स, तो जो है यहाँ क्या सूरत हाल है, ये एक्स वन दा एक्स, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स हो गया, तो ऊपर है एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या मैं उसको पावर हाफ लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, क्यों वाई, क्योंकि इस पर हम पावर रूल लगाएंगे, अब इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस हाफ ऊपर जाकर ब्रैकेट की पावर माइनस हाफ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल, इसको ऊपर ले जाएं तो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखिए ये ब्रैकेट हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, कौन सी वाली, ये वाली ब्रैकेट ऊपर ले जाइए, तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस हाफ ऊपर जाने पर माइनस हाफ हो जाएगी पावर, और ये जो एक्स इसको आगे खिसका दें और साथ में क्या मौजूद है डी एक्स। अब हम लगाने वाले हैं पावर रूल, पावर रूल में फंक्शन पहले क्या है, जो तो बिल्कुल न्यू कमर स्टूडेंट हैं उनके लिए वो देख लें कि पावर रूल है क्या। पावर रूल फर्स्ट रूल ऑफ एंटी डेरीवेटिव कहलाता है कि कोई फंक्शन है और उसके टॉप पर पावर एन है, जबकि उस फंक्शन का डेरीवेटिव पावर एन के नीचे फंक्शन का डेरीवेटिव आगे मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन की जो भी पावर है एन उसमें एक इजाफा कर देंगे और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, शर्त इस फार्मूले की याद है एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर एन माइनस वन होगा तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा माइनस वन। ओके इस पर पहले भी कई दफ़ा बात की, यस तो यहाँ एन एन की जगह माइनस हाफ है तो माइनस वन तो नहीं है ना, लिहाजा माइनस वन के अलावा कोई भी पावर हो रही है तो पावर जो रूल लगा सकते हैं, ये तो हो गया ये। उसके बाद देखें स्टूडेंट ये जो रकम है पूरा फंक्शन है आपका, ये कौन है, दिस इज योर फंक्शन, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए तभी तो रूल लगेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स होगा, तो आगे माइनस टू एक्स है, एक्स तो है वेरिएबल माइनस टू नहीं है, तो माइनस टू की कमी है उसको पूरा करना ही पड़ेगा, तो वो कैसे पूरा करेंगे, 1 माइनस 2 यहाँ लगा दें कमी पूरी हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, अपने तरफ से लगा दिया तो बैलेंस भी तो करो,
तो माइनस टू नीचे लगाया तो बाहर भी वन अपॉन माइनस टू लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, नहीं समझे बात? ये माइनस टू से कटेगा तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। तो मैथ में जब भी आप कोई काम करें तो बैलेंस तरीके से आपको करना होगा, तभी जवाब आपका सही आएगा। इज डेट क्लियर? मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। तो माइनस टू नंबर की कमी को पूरा कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, नो प्रॉब्लम। अब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आगे मौजूद है, माइनस टू एक्स, डेट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब इसी पावर रूल इस पर अप्लाई किया जा सकता है। आइए पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। ये पोर्शन जो है मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ ताकि जगह बने। देखें अब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, खुद आ रहा है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस वन अपॉइंट टू, और उसके बाद यहाँ रूल लगाने वाले हैं पावर रूल, तो फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कौन है स्टूडेंट्स, बोलिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके टॉप पे जो भी पावर है माइनस आप उसमें एक कर दो आपका, और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, नहीं? और फिर साइन ऑफ इंटीग्रल माइनस टू एक्स जो है प्राइम एक्स था और डी एक्स तीन, और साफ ये नहीं लिखेंगे आप इसको लिखने बैठ जाओ, ये रूल के मुताबिक आपने जब लिख दिया आप तीन हट गए। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल आंसरिंग स्टेप में। आइए अब सिंप्लीफाई करना है इसे, तो क्या हो जाएगा देखें, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, कर ली ब्रैकेट डालना तो नहीं, वन माइनस स्क्वायर की पावर, माइनस हाफ में वन प्लस करो भाई, क्या आएगा प्लस हाफ, क्या आएगा प्लस हाफ, एक में से आधा की आधा बचा और वही हाफ नीचे भी होगा, नहीं समझे बात? अब क्या करेंगे, यू कैन सी कि ये जो टू एस टू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये टू अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो टू पलट करके ऊपर जाएगा, नीचे वाले टू से कट जाएगा, तो उसका पत्ता यहीं साफ कर दो। अब उसके बाद देखें क्या होगा आखिरी स्टेप, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपनी यार प्लस, ये टू टू से कट गया, वन लिखना बेकार है, कोफिशिएंट अपॉन में भी वन है, इसको भी लिखना बेकार है, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, और पावर आपको क्या अंडर रूट की शक्ल में लिख सकते हैं, अगर बुक में आंसर अंडर रूट की शक्ल में तो अंडर रूट लगा दो, नहीं तो हाफ की शक्ल में तो हाफ रहने दो, और आखिर में तमाम इंटीग्रल का एक कम्बाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन दामन वक्त जो है हमारा, हाँ यस, अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी स्टूडेंट अभी मैंने किताब में आंसर चेक किए हैं, तो तीसरे का सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम यही है, और जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है उसमें उन्होंने वन अपॉन एट और ई की पावर टू इसको कॉमन लेकर जवाब लिखा है, तो बुक थोड़ी से फासले पर थी, अब मैंने जब उसको देखा तो आइए उसके मुताबिक कर लेते हैं, बुक के मुताबिक कैसे होगा। हो सकता है आपने आंसर मैच किया हो, मैच ना किया हो आंसर ने, जवाब ये भी ठीक है, ये आपके सामने जो आंसर लेकर आए थे क्वेश्चन थ्री के पहले पार्ट का, लेकिन आप यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा आप देख लेंगे कैसे होगा। मैं यहाँ पर जो है स्प्लिटर लगा देता हूँ, यही था ना जवाब, ओके, इसको नीचे ले जाएं ताकि हमारे पास जगह बन जाए, ये जगह बन गई, अब यहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ई की पावर टू एक सब में कॉमन है स्टूडेंट्स, क्या पहले पार्ट को हम बुक के मुताबिक कर रहे हैं, ई की पावर एक्स, और से देखें ई की पावर टू एक्स, हर टर्म में ई की पावर टू एक्स मौजूद है, ओके, ई की पावर टू एक्स को कॉमन निकालें। अच्छा इसके अलावा इन्होंने वन अपॉन एट को भी कॉमन लिया है, वन अपॉन एट को भी इन्होंने कॉमन लिया है, तो इसको भी ज़रा समझते हैं, पहले इसको जो है आप लिख लें, ई की पावर टू एक्स को कॉमन निकालें, पहले जब आप कॉमन निकालेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, यहाँ बचेगा हाफ एक्स क्यूब, क्या हाफ एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा माइनस का थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, में वन बाय वन करते हैं, वरना ये दोनों काम एक साथ भी किया जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि फिर आपके को समझने में दुश्वारी हो, प्लस थ्री अपॉन फोर एक्स, इसमें से ई की पावर टू कॉमन लिया, और आखिर में माइनस थ्री अपॉन एट, यही है, और ये कॉमन चला गया, अभी सी नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सी आखिर में लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है वन अपॉन एट भी कॉमन लिया मैंने, क्या वन अपॉन एट, तो इसका मतलब है कि नीचे जो नंबर है टू फोर फोर इनको भी एट बनाए, तभी तो वन अपॉन एट कॉमन जाएगा, ये बस ये समझने वाली चीज़ आ गई है। तो ये जो अपॉन में नंबर है इनको किस तरह से आप एट बनाएंगे, तो यहाँ पे टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए, तो आप बोलेंगे फोर, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट बन जाएगा, तो ऊपर भी फिर फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं समझे बात, इधर देखें फोर इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट बन जाएगा, तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ये 4 है, इसको 8 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया भाई इतना सा काम था, 8 8 सेम हो गया, फिर उसको बाद में कॉमन निकाल लेंगे। तो ए की पावर 2x, तो जो रहे ऊपर 1/4 4 अपॉन 8x³, ये माइनस यहाँ क्या होगा 3 to the 6 अपॉन में 4 to the 8 x² नजर नहीं आ रहा होगा, प्लस 3 to the 6 अपॉन 4 to the 8 x और माइनस का 3/8, ये टॉप की जगह मौजूद ही है। अब इसमें 1/8 कॉमन निकालने, देखिए हर हालत के साथ 1 होता है लिखते नहीं है, यानी यहाँ लिखा होगा 1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, नहीं इसको 1 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, इसको भी 1 मल्टीप्लाई 6, इसको 3 मल्टीप्लाई 1, तो कोई अर्थ नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने पर। इससे फायदा ये होगा कि अब आपको साफ पिक्चर नजर आएगी कि 1/8 सब में कॉमन है, तो सब में 1/8 कॉमन निकालो जरा क्या आएगा। देखिए 1/8 कॉमन निकालेंगे तो उसको शुरू में लिख दें ई की पावर 2x से पहले, और यहाँ से 1/8 कॉमन गया तो क्या बचेगा बोलिए, 4x³ माइनस यहाँ से 1/8 कॉमन गया तो रह जाएगा 6x² प्लस यहाँ से 1/8 कॉमन गया तो 6x और आखिर में 8 कॉमन गया तो माइनस का 3 दिस, और आखिर में आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, दिस इज योर आंसर। यहाँ से सी हटा दीजिएगा वरना आप सोचेंगे कि इसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन निकालिए, सी को यहाँ से हटा, आपकी समझ में आ गया होगा बुक के मुताबिक आंसर हो गया पहला। अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट है साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर दो फंक्शन रख की हालत में डेट क्लियर, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक अलजबरी के और दूसरा इनवर्स फंक्शन। तो ये बात तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ टू इंटीग्रेट बाय पार्ट वीडियो 1 एक्सरसाइज 6.7 में के इनवर्स फंक्शन को हमेशा यू मानते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स यू हो जाएगा और एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है ये बी माना जाएगा, और फिर इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगा देंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कैसे होगा। आइए देखते एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है, सोल्यूशन में आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यू मानना है और टेन इनवर्स एक्स ना वाला किसको यू मानना है, टेन इनवर्स एक्स को। तो एक काम करते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स को पहले लिख लेते हैं, चलिए एक दफ़ा दोबारा उतार लें सवाल, टेन इनवर्स एक्स पहले लिख लें, इनटू डाल के एक्स को आगे लिख दें, इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर देना भाई वरना ये ब्लंडर मिस्टेक कहलाएगी हाउ टू इंटीग्रल की दुनिया में। टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, तो किसको यू किसे भी मानेंगे बता दिया आपको, दिस इज यू एंड एक्स इज वी बाय यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। क्या फार्मूला था इंटीग्रेट पार्ट का, लिख यू से ये लिख देते हैं कि इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेट, ताकि ये तो पता चले ना कर क्या रहे हैं, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, ओके यू सेम, क्या सेम, मैंने यू ही लिख दिया, यू कौन है टेन इनवर्स एक्स, यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी, वी की जगह कौन है स्टूडेंट एक्स, एक्स लगाना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट माइनस फार्मूले का फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, यू कौन है टेन इनवर्स एक्स है, और फिर इंटीग्रल ऑफ वी यानी एक्स का इंटीग्रल सेम डीएक्स, ओके। आइए अब क्या होगा, यस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ओके तो एन को 1 मान लें, इस पर जो फर्स्ट रूल ऑफ सब सिंपल फर्स्ट रूल है एक्स की पावर एन के इंटीग्रल का, वो ये पावर रूल ही कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स की पावर एन में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, ये इस तरह से सॉल्व होगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। शर्त वही है कि एन जो है माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस वन होगा तो माइनस वन प्लस वन कट गया, जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट फंक्शन हो जाता है लापता, रीजन से बात को, इसलिए एन इज इक्वल टू माइनस वन को नहीं लेते इस फार्मूले में। फिर डिवीजन लग जाता है, जहाँ एक फर्स्ट रूल फेल होता है वहाँ दूसरा सेकंड रूल ऑफ डिवीजन वो अप्लाई कर देंगे, अभी आएगा बीच में तो देख लीजिएगा, डेट क्लियर। तो एक्स की पावर 1 और यहाँ भी यही होगा, एक्स की पावर 1 इसको एन मान लीजिए, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। रह गया मसला डेरीवेटिव का, तो इसको बॉक्स में ले लें, तो टेन इनवर्स बॉक्स के डेरीवेटिव के का फार्मूला, डेरीवेटिव का फार्मूला सॉरी, टेन इनवर्स बॉक्स इसका डेरीवेटिव, इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव बॉक्स, दो फार्मूले एक इंटीग्रल का और एक डेरिवेटिव, दोनों लगेंगे यहाँ पे।
आई स्टूडेंट देखिए कैसे सोल्व होगा, तवज्जो रहे। टेन इनवर्स एक्स अपनी जगह रहा, ओके। फिर यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, वन में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, वन प्लस वन। अलग स्टेप मुझे डायरेक्ट ही करना चाहिए था, यहाँ माइनस पावर ऑफ इंटीग्रल, फिर टेन इनवर्स एक्स, इसका इसका जो डेरिवेटिव है वो है वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स में कौन है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर, फिर डेरीवेटिव वो बॉक्स, तो एक्स का डेरीवेटिव वन होगा, और आखिर में जो है एक्स इसका इंटीग्रल वही होगा जो अभी बताया ऊपर, क्या एक्स की पावर वन में एक इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, इसका डी एक्स खत्म, लेकिन पावर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स अपेयर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो रहे, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे भी टू हो जाएगा वन प्लस वन, फिर माइनस, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी कोई काम होगा, तो यहाँ हुआ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वन लिखना तो बेकार है, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन वन प्लस वन इज टू, और डी एक्स है साथ में। अब क्या करेंगे, अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू को पहले लिख लीजिए, कायदा ये होता है कि इन्वर्स अलजेब्रिक को तो ये जो है ना इसको पहले लिख लें हाफ एक्स स्क्वायर करके, और टेन इनवर्स एक्स को बाद में लिख लें, ओके। माइनस, अब ये जो टू आपको नजर आ रहा है कौन सा वाला है, ये टू, इसको बाहर ले जाइए, और एक्स स्क्वायर जो है ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गेट क्लियर, क्या होगा देखिए, टू बाहर चला गया तो वन अपॉन टू करके बाहर निकलेगा, और ऊपर जो है एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह साथ में डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो ये बताया कि अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल्स हों तो फिर पहले उसको डिवाइड, या तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं या डिवाइड करते हैं, तो इस पर भी हमने क्लास और वीडियो क्लास में तफसील से बात की है, याद रखिएगा। न्यू कमर्स स्टूडेंट के लिए फिर सुन लें कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जिस तरह यहाँ पर मौजूद है, क्या यहाँ पर गौर से देखें क्या सिचुएशन, इसको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने इस तरह से बयान किया था, अगर जिन तुलबा ने वीडियो देखी है, कि पावर ऑफ न्यूमिरेटर अगर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर कर लो, ऊपर न्यूमिरेटर इसकी पावर कितनी है टू, और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसकी वेरिएबल की पावर टू है, पावर से मुराद वेरिएबल की पावर है, तो पावर ऑफ न्यूमिरेटर और पावर ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो तो डिवाइड, या अगर पावर ऑफ न्यूमिरेटर ग्रेटर देन हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से तब भी डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर पावर ऑफ न्यूमिरेटर, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया, लेस देन हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो सूरत में क्या करते हैं, मेक पार्शियल फ्रैक्शन, क्या बनाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, जो नेक्स्ट हमारी अगली एक्सरसाइज है इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के ही सवाल से सोल्व, तो वो तो अभी हमारी बहस नहीं है, और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पहली वाली शर्त लग रही है, वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर और डिनोमेटर में सेम है, टू टू सेम है, लिहाजा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पुट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में, फिर सैंडविच बना के इंटीग्रेट करेंगे रकमों को, समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पर इसको वन का नाम दे के फौरन रोक दीजिए, फौरन से पहले इसको आप वन का नाम दें, पूरे एक्सप्रेशन को रोक दें, और सिर्फ इस पोर्शन को पिक कर लें, किसे, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट वाला पोर्शन पिक कर लें, क्योंकि इसको हमें करना है डिवाइड, आइए इसको पिक कर लें, कलर चेंज करते हैं क्या, चल चेंज करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर और अपॉन में कौन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही है, तो डिवाइडर बाहर आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए पाँचवीं छठी क्लास में, फिर साथ में एक्स स्क्वायर या इसको डिवाइड करें, तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन पहले एक्स स्क्वायर से मल्टी, याद है ना, भूल गए, वन पहले किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, बोलिए क्या ये वाला, वन को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वन को वन से, नहीं तो वन को स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर वन को वन से तो वन बन रहा वन, और फिर यहाँ बीच में लाइन डाल के आप क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, साइन चेंज, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, और यहाँ बचेगा माइनस का वन अपॉन में, क्या माइनस, फिर वही चेंज आदत उसकी है ना ब्लू की, चलें फिर हम ग्रे से कर रहे हैं तो इसी से करते हैं माइनस वन, ये चीज़ क्या कहलाती है, याद कीजिए, वॉट इज दिस, इसे क्या कहते हैं, डिवाइडर, याद आ गया, ये चीज क्या कहलाती है, कोशेंट,
ये चीज क्या कहलाती है? रिमाइंडर। फिर याद करें इसको कैसे लिखते थे। पहले भी हमने एक मिसाल में इसके ऊपर बात की आपसे, और एक बहुत ही आसान मिसाल दी थी, अगर आपको याद हो गया। फाइव को डिवाइड करना है टू से, तो टू बार फाइव अंदर, टू याद है ना, नहीं थ्री से डिवाइड करना, फाइव डिवाइडेड बाई थ्री, तो थ्री बाहर पे, थ्री वन दा थ्री, फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा टू। तो इसको ऐसे लिखते थे, क्वोशेंट है ये रिमाइंडर ऊपर वाला डिवाइड करेंगे थ्री। तो इसको ये लिखा जाता है क्वोशेंट, फिर रिमाइंडर, और नीचे क्या आता है डिवाइडर। ये बहुत ही दूसरी तीसरी क्लास की बातें हैं। तो क्वोशेंट कौन है यहाँ पर वन, रिमाइंडर कौन है टू, और डिवाइडर है थ्री। तो थ्री वन दा थ्री, थ्री में टू प्लस करेंगे तो फाइव, फाइव पॉइंट थ्री, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ करनी है अब आपने। तो क्वोशेंट है वन और रिमाइंडर माइनस वन और डिवाइडर है वन प्लस एक्स स्क्वायर। आइए स्टूडेंट देखें इसको कैसे करेंगे। याद आ रहा है कुछ बचपन की यादें? एक्स स्क्वायर अपॉन बारिश का पानी, कागज़ की कश्ती, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखना है स्टूडेंट बताइए, क्या बताया अभी आपको? यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे पहले, क्वेश्चन है वन, फिर ऊपर रिमाइंडर आएगा दैट इज माइनस वन, और फिर डिवाइडर आएगा, डिवाइडर कौन है वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर एक काम और करते थे, ये वन राइट टू अपॉन थ्री लिखा हुआ है ना, तो बीच में प्लस साइन डाल के इसको अलग कर देते थे, वन प्लस टू अपॉन थ्री। अभी थ्री एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर वही आ जाएगा थ्री वन थ्री, थ्री और टू फाइव, फाइव नहीं, तो यहाँ पे प्लस साइन डाल के अलग करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम करेंगे तो प्लस में ब्रेक, लेकिन वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा, तो वन प्लस ये अपनी जगह ये हो जाएगा वन प्लस माइनस माइनस, फिर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं समझे बात को? इस तरह आपकी कर्ली ब्रैकेट में ये रकम सेट की जाएगी। किसकी जगह? इसकी जगह इसमें वन में, एक्सप्रेशन वन जो बनाया था, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स, जो येलो कलर से हमने शेड दिया है, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, इसको कॉपी कर लेंगे, आए नहीं अब आए, इसको कर लेते हैं कॉपी, नहीं अब इसको कर लेते हैं नीचे जाके पेस्ट, जी पेस्ट कर लेते, ये आ गई ना बेटा, फिर जो है इसको खिसका दें यहाँ पे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर लेके गए ताकि नजर आए कि करने क्या वाले हैं। यस, ये एक्सप्रेशन था पूरा, देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो है अब आपके सामने, आप एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, और साइन ऑफ इंटीग्रल, अब कर्ली ब्रैकेट थी याद है ना, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस स्क्वायर की जगह आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर मौजूद है डी एक्स, ये करना था। अब यहाँ सैंडविच बना के इंटीग्रेट करेंगे, समझे बात? आइए, सैंडविच याद है ना किस तरह बनाते थे, शुरू की रकम को ढोना पड़ेगा, हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, फिर माइनस। अब देखिए जब आप सैंडविच बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो माइनस का वन अपॉन टू साइन ऑफ इंटीग्रल है, पहले वन पे अप्लाई होगा और वहां से डी एक्स अप्लाई होगा, तो ये वन सैंडविच बन जाएगा, समझ रहे? तो माइनस का हाफ साइन ऑफ इंटीग्रल पहले वन पे और वहां से डी एक्स, फिर सेम यही माइनस हाफ और साइन ऑफ इंटीग्रल दूसरी टर्म माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर वन अपॉन टू साइन ऑफ इंटीग्रल, और यहाँ है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वहां से आ गया डी एक्स। ओके, तो ये डी एक्स से कम डी एक्स तो परफेक्ट इंटीग्रल बन गया, तो ये तो हो जाएगा सॉल्व, यानी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कट जाएंगे इसमें, ये है ना, ये तो परफेक्ट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव हो जाएंगे कट, और यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का। देखिए अब ये यहाँ क्या होगा, ये तो कट गया। आइए स्टूडेंट्स, आप एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपनी जगह माइनस हाफ, यस परफेक्ट इंटीग्रल है, तो इसका जवाब सिंपली आएगा एक्स प्लस हाफ, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस
बॉक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला देख लें। पहले भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया, एक दफ़ा फिर फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पर इस वीडियो में। वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है? उसके इंटीग्रल का फार्मूला ही होता है वन अपॉन डेरीवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू वन अपॉन ए, फिर है टेन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए, और आखिर में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इज डेट क्लियर? अच्छा, अभी हमने एक फार्मूला और डिस्कस किया था आपसे क्या, बल्कि एक ही जगह तो वन ही है ना। तो अब एक काम करें, यहाँ पर असल में वन का स्क्वायर होता है तो एक ही जगह वन है, तो इस फार्मूले को सादा सूरत में भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक शक्ल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये तब लगाएंगे फार्मूला अच्छा हो एक सामने आ गया ए स्क्वायर, जब यहाँ पे क्या होगा तवज्जो है, अगर ये होता है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रल ये होता है वन अपॉन डेरीवेटिव बॉक्स इंटू वन अपॉन ए टेन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस। लेकिन चूंकि यहाँ पे वन है, एक ही जगह कौन है स्टूडेंट वन, और बॉक्स में एक्स मौजूद है, तो इसका एक और आसान और सादा शक्ल है वो इस्तेमाल करेंगे, वन प्लस बॉक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा वन अपॉन डेरीवेटिव ऑफ बॉक्स और टेन इनवर्स बॉक्स क्या प्लस। तो वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वन अपॉन डेरीवेटिव ऑफ बॉक्स और टेन इनवर्स बॉक्स, नहीं समझे बात है? अच्छा, एक बात और राशि पता चलेगी यहाँ सर। देखो एक बात आई तो सामने, तो एक बात और सामने आ गई। अगर मैं आपसे कहूँगी इसका डेरीवेटिव लें, तवज्जो रहे जरा एक बात की, तो टेन वर्स बॉक्स का क्या लें, खैर कोई बात नहीं, इसका डेरीवेटिव लें टेन इनवर्स बॉक्स। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला आज ही की इस वीडियो में बताया था आपको क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, नहीं समझे बात को? यानी इसका मतलब ये होगा कि डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे का उलट होते हैं। आपने वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लिया तो टेन इनवर्स बॉक्स आ गया, टेन इनवर्स बॉक्स का जब डेरीवेटिव लेंगे तो फिर वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव बॉक्स, ये जो डेरीवेटिव बॉक्स से ऊपर चला जाता है, नहीं समझे बात को? इस डेट के लिए, तो अगर आपको डेरिवेटिव का फार्मूला पता है तो एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला खुद ब खुद पता चल जाता है, या एंटी डेरिवेटिव का पता है तो फिर डेरिवेटिव का पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादा दिन पर जोर मत डालिएगा भाई, इतना याद रखेंगे ये फार्मूला आपने याद रखना, कौन सा वाला, वन अपॉन वन प्लस बॉक्स का इंटीग्रल है वन अपॉन डेरीवेटिव ऑफ बॉक्स टेन इनवर्स बॉक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसको फिर मिटाना पड़ेगा मुझे, चलो मैं नहीं मिटा रहा, हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्या है हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद क्या था माइनस, अच्छा ये मैंने यहाँ लिख दिया, यहीं पे करना था काम, तो यहीं करना था ना इसका इंटीग्रल, कमाल है। वन अपॉन क्या बताया था टेन इनवर्स बॉक्स, यानी वन अपॉन डेरीवेटिव बॉक्स का डेरीवेटिव वन है, और फिर इसका इंटीग्रल यहीं लिख लो ना, और फिर है टेन इनवर्स बॉक्स, बॉक्स में कौन है एक्स, डेट्स इट, बात ही खत्म हो गई भाई। इस एक्सप्रेशन को दोबारा करें, हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, और फिर माइनस का हाफ एक्स है साथ में, क्या है माइनस का हाफ एक्स, और उसके साथ है प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स, प्लस हाफ ही कम हाफ ही होगा, वन लिखना बेकार है, हाफ टेन इनवर्स एक्स, और आखिर में सबका कंबाइन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, या इन तीनों में हाफ कॉमन है तो हाफ कॉमन लेके भी आप जवाब लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो क्लास से आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। बुक में उन्होंने इसको इस तरह लिखा, लेकिन बुक के मुताबिक भी लिख लेते हैं ना, जब एक स्टेप और कर ले जाए इतना सही हो, ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ये जो हमने शुरू में टू लिखा था इसको एक टर्म मान के उन्होंने टू नीचे लिख दिया, और यहाँ पे भी इसी तरह किया एक्स अपॉन टू इस टू को एक्स के नीचे लिख दिया, और प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स को वैसे लिखा, तो भाई इसको भी लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स के नीचे, जब इन दोनों को एक टू को दोनों के नीचे लिखा तो यहाँ पे भी टू को लिख देते नीचे, तो बहरहाल बुक के मुताबिक किस तरह से जवाब है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, डेट इज़ योर आंसर। ओके, तो आज की इस वीडियो क्लास में जो चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की स्टूडेंट, एक नज़र फिर आखिर में देख लें क्या क्या डिस्कस हुआ था आज जो है हमने इस क्लास में, ये वीडियो नंबर 6 है एक्सरसाइज 6.7 हाउ टू इंटीग्रेट बाय पार्ट में, जिसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व करना सीखा, और दूसरा पार्ट साइन इनवर्स एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर जो हमने जो चीज़ सीखी, नज़र आ रही है आपको मैंने स्क्रीन चेंज की है, स्क्रीन तो चेंज ही नहीं की, कमाल, स्क्रीन तो चेंज कर दो, दोबारा से करते हैं, ऐसा भी होता है बातों का, ध्यान
वीडियो नंबर सिक्स, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर थ्री के ये दो पार्ट नज़र आ रहे हैं, मैं फिर चेक कर लूँगी स्क्रीन चेंज हो गई। यस ये एक है इसके अंदर कि स्क्रीन जो है वो चेंज करके अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप भूल जाते हैं, तो बोल आप कुछ रहे होते हैं तो वो कुछ और ही नज़र आ रहा होता है। बहरहाल ये पहला और दूसरा पार्ट जो आपके खिदमत में पेश किए, और उसके बाद देखें उसके बाद फिर ये तीसरा पार्ट एक्स टेन इनवर्स एक्स टी एक्स, डेट क्लियर। और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम चौथा पांचवा छठा पार्ट जो है लेकर आएंगे। दुआ करें कि मछली जो है उस तक इन दोनों पार्ट्स को ना खा जाए कहीं। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।